हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल नीलिमा किचन में। आज हम एकदम अलग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने एक कटोरी चावल लिए हैं, इसको हमने 2 घंटे भिगो कर रखे थे 3-4 पानी से धोकर, और एक कटोरी पानी डालकर रख दिया था। ये देखिए ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल सूख लिया है पानी चावल ने। तो चलिए दूसरी तैयारी करते हैं। अब एक पैन में घी डालेंगे, ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, ड्राई फ्रूट को हल्के से रोस्ट कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच जाए। ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। ये हम 4-5 लौंग लिए हैं हमने, लौंग डालकर अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फूल चुकी है लौंग। अब भीगे हुए चावल डाल देंगे। फ्रेंड रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आप अपने घर पे बनाकर सबको खिलाइए, बहुत पसंद आएगी सबको ये रेसिपी। एकदम अलग है ये वाली रेसिपी। ये देखिए चावल भून चुके हैं अच्छे से। इसमें अब 2 कटोरी गर्म पानी डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने इलायची दाना लिया है, पीसना नहीं है इसको, इससे अच्छा स्वाद आता है। ये हमने गरम पानी में केसर मिलाकर रख दिया था, ये घुल चुका है, कलर भी बहुत अच्छा देगा ये केसर। आपके पास केसर नहीं होगा तो हल्दी का पानी भी डाल सकते हैं, आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं या कलर डाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, जो ईजी पड़े वो डाल सकते हैं आप। अच्छे से ढककर पका लीजिए चावल को, ज़्यादा नहीं पकाना है, 80% तक पका लेना है। ये हमने गुड़ और खजूर लिया था, उसको मिक्सर में बारीक कर लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे, और जो गुड़ और खजूर का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ये देखिए अच्छे से बारीक हो गया है पेस्ट। कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिला लेंगे, इसको घोल तैयार कर लेंगे। धीमी आंच पर पकाना है ये। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमने 1 चम्मच खसखस लिए है, इसको पोस्तादाना भी बोलते हैं, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है चावल में। ये हमने मिल्क पाउडर लिया है, चावल भी मावे जैसे लगेंगे बिल्कुल खाने में। आप भी एक बार बनाकर देखिए आप घर में। अच्छे से मिला लीजिए, थोड़ा सा पका लीजिए। ये देखिए अच्छे से बन चुका है ये। गैस बंद कर देते हैं। अब चावल देख लेते हैं। ये देखिए चावल भी पक गए हैं अच्छे से। जो गुड़ और खजूर का घोल बनाया था वो डाल देंगे, अच्छे से हिलाकर पकाएंगे 2 मिनट के लिए।
ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो डाल देंगे, थोड़े से बचा कर रख देंगे ऊपर से डालने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप कभी भी बना सकते हैं ये चावल, जब भी इच्छा हो मीठा खाने की तब भी बनाइए और खाइए मुझे बताइए। ये हमने चावल को ठंडा करके थोड़ा सा फैला दिया था परात में, ये देखिए मावा जम चुका है अच्छा सा, ऊपर से नारियल का बोरा डाल देंगे या नारियल किसका डाल देंगे जो भी जैसा लगे आपको, और ड्राई फ्रूट डाल देंगे ऊपर से। वो जो चावल का साँचा रहता है उससे मूत बना लेंगे और भोग लगाएंगे भगवान को। ये देखिए कितने अच्छे चावल बनकर खिले खिले तैयार हो गए हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए और साँचे से कितने अच्छा दिख रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, थैंक यू बाय।